सोलन के जाने माने प्रतिष्ठित दुर्गा क्लब की प्रतिष्ठा आजकल दांव पर लगी हुई है। लोक निर्माण विभाग ने दुर्गा क्लब को एक नोटिस भेजा है और इसे खाली कराने के आदेश दिए हैं और उनके कब्जे को अवैध बताया है, जिसके चलते क्लब के पदाधिकारियों में खलबली मची है। इस क्लब के पदाधिकारी शहर के जाने माने व्यापारी और कई आला अधिकारी भी हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि वे इस मामले पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं। आपको बता दें कि दुर्गा क्लब में सहजता से किसी को सदस्यता नहीं मिलती, इसके लिए हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन वहीं ये क्लब सरकार को महज 12 रुपए प्रति वर्ष किराया देता था। इसलिए अब सरकार चाहती है कि वे इस 1600 स्क्वायर मीटर जमीन को अपने कब्जे में लेगी और सोलन के विकास के लिए इस पर कुछ कार्य करेगी। अधिक जानकारी देते हुए लोक निर्माण विभाग के अधिशांशी अभियंता अरविंद कुमार ने बताया कि सोलन का दुर्गा क्लब का कब्जा अवैध है, जिसके चलते उनके पदाधिकारियों को इस स्थान को खाली करने का नोटिस दिया गया है। उन्होंने बताया कि अभी तक उन्हें क्लब के पदाधिकारियों की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है। उनके जवाब आने पर उनके खिलाफ जो कार्रवाई बनती होगी वे अमल में लाई जाएगी। देखिए, इसमें ऐसा है कि हमने दुर्गा क्लब के जो सेक्रेटरी हैं उनको नोटिस भेजा है, इसमें अनऑथराइज्ड ऑक्युपेंसी का। हमारे ध्यान में ये बात आई थी कि अनऑथराइज्ड ऑक्युपेंसी है इस प्रेमाइसिस की, ये प्रदेश सरकार के नाम है और ऐसा है, तो अकॉर्डिंगली एक प्रोसीजर के तहत उनको एक नोटिस भेजा गया है, उसमें उनसे जवाब मांगा गया है कि खाली करने को कहा गया है। ऑक्युपेंसी पहले से चली है, ये काफ़ी पहले से चली हुई है, लेकिन अभी ख़त्म हुआ था इनका जो अमाउंट जमा किया था इन्होंने, वो ख़त्म हो गया था, उसका मियाद ख़त्म हो गई थी। तो अब इसको तभी इसको अब सरकार और फर्दर यूज़ में लाना चाहती है, तो उस हिसाब से इनको ऑक्युपेंसी को, इसको अनऑथराइज्ड ऑक्युपेशन को वैकेट करने के लिए नोटिस दिया गया था। अब जैसे ही उनका रिप्लाई आएगा उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी।